नवरात्र के छठे दिन माँ दुर्गा की छठी शक्ति माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के स्वरूप का अवतार कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में हुआ था, इसलिए इन्हें माता कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी को शहद और पीले रंग का भोग अत्यंत प्रिय है। मालूम हो कि कात्यायनी माँ का शरीर सोने की तरह चमकीला है। कात्यायनी माँ शेर पर सवार चार भुजाएं वाली हैं। इनके बाएं हाथ में कमल, तलवार व दाहिने हाथों में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा लिए हुए हैं। माता कात्यायनी की चार भुजाएं अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है। माता कात्यायनी की पूजा में पीले रंग के वस्त्र पहनने की मान्यता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माने तो माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर का संहार करने के कारण इन्हें दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करते हैं। सुबह नहाने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें, मंदिर या पूजा की जगह को गंगा जल से शुद्ध कर लें। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ को स्मरण करें और हाथ में फूल लेकर संकल्प लें। माँ को फूल अर्पित करें, इसके बाद कुमकुम, अक्षत, फूल आदि और 16 श्रृंगार चढ़ाएं। फिर माँ कात्यायनी को प्रिय भोग, शहद व मिठाई इत्यादि का भोग लगाएं। देसी घी का दीपक जलाएं और माता की आरती करें। माँ कात्यायनी का प्रिय भोग शहद है। इस दिन माता की पूजा अर्चना करने के साथ ही शहद का भोग लगाना चाहिए, इससे भक्त का व्यक्तित्व निखरता है। वहीं माता रानी को लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। माता को लाल रंग प्रिय होता है। माता को लाल रंग की चीजें अर्पित करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है।